लेकिन सैम एंटोन के लिए सीरियस हो गई थी। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स अलग हो गए हैं। वो बस एक ऐसा इंसान चाहती है जिसके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में रह सके। आज की मूवी का नाम है अ सीक्रेट अफेयर। मूवी की शुरुआत में हम एंटोन को उसकी गर्लफ्रेंड रेफी के साथ देखते हैं। वो स्टेज पर एक सेंटी सी पंचलाइन मारकर रेफी को शादी के लिए प्रपोज करता है। ऑडियंस जोर जोर से चिल्ला रही है, हाँ कर दो। थोड़ी देर सोचने के बाद रेफी हाँ कर देती है। एंटोन एक रेस्टोरेंट में हेड शेफ है और रेफी बड़े घर की लड़की। फिर वो रोमांटिक पल साथ में बिताते हैं। रेफी एंटोन से पूछती है, तुम इतने श्योर कैसे थे कि मैं तुम्हें शादी के लिए ना नहीं कहूंगी? एंटोन कहता है, क्योंकि मैं इतना गुड लुकिंग और चार्मिंग जो हूँ और तुमने अभी तक मुझे ना नहीं कहा। उसके बाद रेफी अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और एंटोन के बारे में बात करती है और अपनी इंगेजमेंट रिंग दिखाती है। तभी वहाँ एंटोन आ जाता है और यहाँ हम सैम से मिलते हैं जो रेफी की फ्रेंड है। सैम एंटोन से रेफी को कुछ बताने के लिए कह रही थी, लेकिन एंटोन कहता है, किस लिए रेफी को वो सब बताना है? मेरी उससे शादी होने वाली है और जो कुछ तुम्हारे साथ था वो पुरानी बात है। तब रेफी उसकी जिंदगी में नहीं थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैम और एंटोन कैसे मिले थे और एंटोन और सैम ने एक साथ पहली मुलाकात में एक दूसरे के साथ इंजॉय किया था। लेकिन सैम पहली बार किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी, जिस वजह से एंटोन को काफी बुरा लग रहा था क्योंकि वो बस मजे कर रहा था और उसे लगा था कि सैम उस टाइप की लड़की है जो किसी के साथ भी शुरू हो जाती है। लेकिन सैम एंटोन के लिए सीरियस हो गई थी। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स अलग हो गए हैं। वो बस एक ऐसा इंसान चाहती है जिसके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में रह सके। एंटोन कहता है, तुम्हें हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। कहानी प्रेजेंट में आती है। रेफी अपनी मॉम के साथ है और मॉम कहती है, तुम्हें एंटोन के साथ रिलेशनशिप में आए बस 2 महीने हुए हैं, क्या तुम शादी जैसे रिश्ते के लिए तैयार हो? ये सुनकर रेफी कंफ्यूज हो जाती है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कल शादी का दिन है। रेफी पूरी रात बेचैन रहती है। कल के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। फिर वो अपने रिलेटिव्स के मैसेजेस सुनती है जो उसे शादी के लिए बेस्ट विशेष दे रहे थे और शादी के बारे में अपने अपने विचार बता रहे थे, जिस वजह से वो और कंफ्यूज हो जाती है। वो अपनी मॉम के पास आती है और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से रेफी की शादी में आने के लिए कह रही थी। दरअसल उसके पति का किसी दूसरी औरत से अफेयर चल रहा है और मॉम उससे उसकी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए कह रही थी। अपनी मॉम को इतना परेशान देखकर रेफी और कंफ्यूज हो जाती है कि शादी से बड़ा पाप शायद कोई नहीं है। उसकी मॉम पापा की वजह से परेशान है और कल वो भी शादी करने वाली है। वो एंटोन के पास आती है और उसकी इंगेजमेंट रिंग उसे वापस कर देती है और सॉरी बोलकर चली जाती है। एंटोन रोने लगता है। जल्दी से ये बात ट्विटर पर फैल जाती है और सैम काफी खुश होती है। एंटोन रेफी के घर आता है लेकिन रेफी मिलने से मना कर देती है। रेफी के पेरेंट्स कहते हैं उन्हें नहीं पता रेफी ने शादी के लिए क्यों मना किया। एंटोन वहां से रोते हुए चला जाता है। रेफी कुछ दिनों के लिए टाउन से दूर छुट्टियां बिताने चली जाती है। अब इतना सब करने के बाद वो एंटोन के साथ डेट तो नहीं मार सकती। एंटोन अपने काम पर होता है लेकिन वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। वहाँ रेफी की सहेलियां रेफी की शादी टूटने के बारे में डिस्कशन कर रही हैं। सैम कहती है, एंटोन के साथ गलत हुआ, वो ये सब डिजर्व नहीं करता। सैम एंटोन के घर आती है उसकी तन्हाई को कम करने। वो साथ में ड्रिंक करते हैं और सैम एंटोन की शादी टूटने का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। एंटोन को भी अब बस सैम का सहारा है। वो भावनाओं में बह जाता है। सैम एंटोन को बताती है कि जिस दिन से उसने एंटोन को देखा था उसे एंटोन पर क्रश हो गया था, लेकिन अगले दिन रेफी ने एंटोन को अपना बॉयफ्रेंड बताकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। सैम पूछती है, जब रेफी वापस आएगी तब मेरा क्या होगा? एंटोन कहता है, मुझे नहीं पता। सैम के जाने के बाद एंटोन रेफी को रोते हुए फोन करता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती। वो वॉइस मैसेजेस छोड़ता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, प्लीज मुझे कॉल बैक करो। वो जानना चाहता है कि उसके दिल में क्या है। रेफी उसके मैसेज को सुनती है और रोती है और कुछ दिनों में वापस आ जाती है। वो सलोन जाती है जहां उसे सैम की मॉम मिलती है। सैम की मॉम घर आकर सैम को बताती है कि तुम्हारी फ्रेंड रेफी वापस आ गई है। ये सुनकर रेफी अपसेट हो जाती है। रेफी एंटोन के रेस्टोरेंट के बाहर बैठकर रो रही होती है। एंटोन उसे देख लेता है और उसके पास आता है। रेफी कहती है, उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या कहे। वो उससे माफी मांगती है और कहती है वो डर गई थी, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मेरे पैर ठंडे हो गए, उसे कुछ समझ नहीं आया इसलिए उसने शादी तोड़ दी। और वो एंटोन से बहुत प्यार करती है लेकिन शादी के लिए वो अभी तैयार नहीं है। वो शादी बस शादी करने के लिए नहीं करना चाहती बल्कि वो चाहती है कि उनकी शादी सक्सेसफुल हो। एंटोन कहता है, उसे ये सब उसे बताना चाहिए था, वो उसका वेट करने को तैयार था लेकिन रेफी ने उसका दिल दुखाया है।
रेफी उससे पूछती है कि क्या वो चाहता है कि वो उसके पास वापस आ जाए। एंटोन कहता है वो सोचता था जब वो उसके पास आएगी वो क्या करेगा, शायद वो उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो उससे प्यार करता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और एंटोन के घर जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। जिस तरह से एंटोन रेफी के साथ प्यार कर रहा था, उतना पैशनेटली वो सैम के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ। उसके बाद रेफी अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो एंटोन के साथ लिव इन में रहेगी ताकि उसे पता चल सके कि वो उसके साथ जिंदगी भर रह सकती है या नहीं। मम्मी कहती है वो अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से शादी के फेवर में हैं। उसके बाद वो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, लेकिन रेफी उनकी बात नहीं सुनती। सैम एंटोन के घर लंच लेकर आती है। एंटोन सैम से कहता है कि रेफी वापस आ गई है, लेकिन सैम एंटोन को रिझाने लगती है। एंटोन रेफी को आते हुए देख लेता है। वो सैम को एग्जिट से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सैम एंटोन को पकड़कर शुरू हो जाती है। सैम के जाने के बाद रेफी एंटोन के घर आती है और कहती है तुम काफी थके हुए लग रहे हो। एंटोन कहता है उसे रात भर नींद नहीं आई, वो नहाने जा रहा है। उसके बाद वो दोनों स्पा लेते हैं और रेफी नहाने चली जाती है। तभी वहाँ सैम आ जाती है और एंटोन को मसाज देने लगती है। एंटोन घबरा जाता है। सैम कहती है वो बस कल के बारे में उसे याद दिलाने आई है कि कल वो उसे ग्रीन हिल में मिलेगी। वहाँ रेफी को लगने लगता है कि एंटोन उसे सजा दे रहा है उसको हर्ट करने की वजह से, लेकिन रेफी को नहीं पता एंटोन सैम की वजह से परेशान है। तभी रेफी को सैम का मैसेज आता है कि कल वो उसे ग्रीन हिल में मिलेगी। एंटोन परेशान हो जाती है कि सैम ने उन दोनों को ग्रीन हिल में क्यों बुलाया है। एंटोन सैम से पूछता है कि वो क्या चाहती है। सैम कहती है उसे एंटोन चाहिए। एंटोन कहता है वो रेफी से प्यार करता है और उसका कभी नहीं हो सकता। वहाँ रेफी का फ्रेंड टीम उन्हें साथ में देख लेता है। एंटोन वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रेफी आ जाती है और एंटोन को देख लेती है। वो उसे फोन करती है और पूछती है तुम कहाँ हो। एंटोन कहता है वो मीटिंग में है। रेफी को अजीब लगता है कि एंटोन ने झूठ क्यों कहा। वो सैम के पास आती है और एक एक्स्ट्रा कॉफी कप देख कर उसे अजीब लगता है। सैम रेफी से उसके और उसके डैड के एक शूट के लिए रेफी को मैनेज करने के लिए कहती है। शूट के दौरान रेफी को उसकी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि टीम ने सैम को कल एंटोन के साथ देखा है। उसके बाद रेफी सैम के साथ रूड बिहेव करने लगती है और इशारों में कहती है कि शायद वो कोई डर्टी सीक्रेट सबसे छुपा रही है। घर पर रेफी एंटोन से कहती है कि वो दो दिन के लिए शूट पर जा रही है। एंटोन कहता है कि वो जब वापस आएगी वो वैकेशंस पर जाएंगे। रात में रेफी एंटोन का फोन चेक करती है जिसमें एंटोन ने सैम का नंबर सैम जिम ट्रेनर के नाम से सेव किया हुआ था। उसे शक होने लगता है। अगले दिन रेफी अपने घर आ जाती है। उसने झूठ कहा था कि वो शूट पर जा रही है। वो एंटोन की जासूसी करने लगती है और एंटोन को सैम के साथ देख लेती है। सैम एंटोन से कहती है कि जब रेफी को हमारे बारे में पता चलेगा वो तुम्हें फिर से छोड़ देगी। एंटोन कहता है तुम तो यही चाहती हो कि रेफी मुझे छोड़ दे। रेफी अंदर आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है और उनके बीच आर्ग्यू होते हैं। रेफी सैम को थप्पड़ मार देती है और चली जाती है। एंटोन रेफी के पास आता है। रेफी उससे पूछती है कि सैम के साथ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है। एंटोन उसे बताता है कि सैम के साथ उसने बस वन नाइट स्पेंड की थी और जब रेफी उसे छोड़कर चली गई थी तब सैम ही थी जो उसे सहारा देने आई थी। रेफी कहती है तुमने ये अफेयर कंटिन्यू क्यों किया। एंटोन कहता है सैम मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। एंटोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। रेफी कहती है किसी को चीट करना एक्सीडेंट नहीं चॉइस होती है। एंटोन कहता है वो सब ठीक कर देगा। रेफी सोचती है कि अगर मैंने एंटोन को छोड़ दिया तो सैम काफी खुश होगी और एंटोन के ऊपर कूद जाएगी, और अगर मैंने एंटोन के साथ कंटिन्यू किया तो क्या मैं उस पर दोबारा यकीन कर पाऊंगी, क्या मैं उसके साथ खुश रहूंगी, मैं उस पर हमेशा शक करती रहूंगी। सैम रेफी को मिलने बुलाती है। सैम रेफी से कहती है कि तुम्हारे साथ एंटोन के रिश्ते से पहले से वो एंटोन को जानती है और वो उससे प्यार करती है और उसने तो एंटोन को डम कर दिया था। रेफी कहती है उसने एंटोन को कभी डम नहीं किया, वो बस शादी से डर गई थी और तुमको मौका मिल गया एंटोन के साथ सोने का। रेफी ये सारी बातें अपनी फ्रेंड्स को फोन के थ्रू सुना रही थी। इस बातचीत से कुछ शॉर्ट आउट नहीं होता। रेफी की मॉम रेफी से कहती है कि तुम अभी यंग हो और एंटोन अभी से दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर कर रहा है, जब तुम बुढ़ी हो जाओगी तब क्या होगा। मम्मी कहती है तुम्हारी ब्यूटी के साथ टेंशन शूट नहीं करती, मस्त रहो। वहाँ ट्विटर पर सैम और रेफी की जंग छिड़ जाती है और सब मजे लेते हैं। एंटोन और रेफी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। एंटोन सैम के पास आता है और उनके बीच जो कुछ भी था उसे खत्म कर देता है और कहता है वो रेफी से प्यार करता है और उनके बीच जो कुछ हुआ वो उसकी गलती थी, इसमें सैम का कोई कसूर नहीं है। सैम कहती है वो रेफी से ज्यादा एंटोन को प्यार करती है, प्लीज मुझे चूज करो। सैम रोने लगती है और कहती है हम दोनों ही पागल हैं, हम दोनों उस इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो हमसे प्यार ही नहीं करता, हम दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। एंटोन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। सैम एंटोन को थप्पड़ मार देती है।
मॉल में सैम रैफी को देखती है। रैफी उसे इग्नोर कहकर वहां से जाने लगती है। सैम रैफी के पास आती है और कहती है कि वो उसके साथ इज्जत से पेश आ रही है, लेकिन रैफी उसको अब्यूज कर रही है। रैफी उसको फिर से अब्यूज करती है। तब सैम रैफी को बताती है कि एंटोन उसके साथ कैसे इंटीमेट हुआ था। वो सब सुनकर रैफी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सब कुछ वैसे ही एक्सप्लेन कर रही थी जैसे एंटोन उसके साथ इंटीमेट होता था। रैफी वहां से चली जाती है। घर आकर वो उस कांच की टेबल को तोड़ देती है जिसमें सैम के साथ एंटोन रोमांस करता था। एंटोन आकर उस टूटे हुए शीशे को देखता है और रोने लगता है। रैफी अपनी मॉम के पास आकर रोती है और कहती है कि उसे काफी हर्ट हो रहा है। अगले दिन रैफी की मॉम सलोन आती है और सैम की मॉम के ऊपर गर्म पानी डाल देती है और कहती है अपनी बेटी से कहो मेरी बेटी से दूर रहे। रैफी काफी खुश होती है कि उनकी मॉम उनके लिए कुछ भी कर सकती है। एंटोन अपने फ्रेंड से बात करता है कि वो कितना स्टूपिड है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। रैफी अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पर चली जाती है। वहां उसकी मॉम अपने पति की गर्लफ्रेंड के पास आती है और उसे उसके पति से दूर रहने को कहती है और काफी बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। ये सब करके वो सब काफी खुश होती हैं। वापस आकर रैफी एंटोन के पास आती है। एंटोन कहता है जब वो उसे छोड़कर गई वो काफी हर्ट हुआ था, लेकिन उसे उनके प्यार पर यकीन था। उसे रैफी के पीछे आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। उसने आसान रास्ता चुना। मैंने खुद को ऐसे इंसान को सौंप दिया जो सबसे पहले मेरे पास आया। मुझे नहीं पता था ये सब मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम परफेक्ट गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे दूसरा मौका दे सकती हो? रैफी कहती है हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट तरीके से। उसके बाद हम उन्हें पार्टी में देखते हैं। वहाँ वो सैम से मिलते हैं। एंटोन सैम को इग्नोर करता है। सैम और रैफी एक दूसरे से एंटोन को लेकर आर्ग्यू करने लगते हैं। रैफी सैम पर फाउंडेशन गिरा देती है। एंटोन रैफी को रोकता है। सैम के डैड की पार्टी खराब हो जाती है, जिस वजह से सैम के पेरेंट्स लड़ने लगते हैं। सैम अपनी मॉम से कहती है मर्द हमेशा हमको छोड़कर क्यों चले जाते हैं, क्या हमसे प्यार करना इतना मुश्किल है? मॉम समझाती है कि हम एक प्राइज हैं, जो गिव अप कर देता है और जो हार जाता है वो हमें खो देता है। सैम कहती है कि उन्हें कोई आदमी नहीं मिलेगा जो सिर्फ उनका हो, बस उनका। रैफी के पेरेंट्स फिर से साथ हो जाते हैं। रैफी एंटोन के पास आती है। एंटोन उसे फिर से प्रपोज करता है। रैफी कहती है उसने कई बार सोचा और अगर एंटोन उसे फिर से प्रपोज करेगा उसका जवाब हमेशा ना होगा। एंटोन कहता है वो उससे प्यार करता है। रैफी कहती है उसे पता है कि उनके बीच प्यार तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। वो ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन एंटोन के साथ नहीं, अकेले। वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। एंटोन को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि हम किसी को खुद से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना गलत है। और इस तरह से सैम, एंटोन और रैफी तीनों को अपना प्यार नहीं मिलता। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।